यूपी के सहारनपुर में बाढ़ जैसे हालात बन गए। तेज बारिश के चलते हाहाकार मचा हुआ है। सहारनपुर की कई आवासीय कॉलोनियों में 6 से 7 फीट तक पानी भर गया है। पहली मंजिल पूरी तरह से पानी में डूब गई है। लोगों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। रेस्क्यू टीम एक एक कर लोगों को घरों से निकाल रही है। बेहद ही परेशान करने वाली ये तस्वीरें हैं। लोगों को रेस्क्यू टीम अपने कंधों पर बिठाकर गले तक पानी में डूबकर बचा रही है। लगातार बारिश और पहाड़ों से आ रहे पानी की वजह से सहारनपुर के ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जो इस वक्त पानी में डूब गए। सहारनपुर से निकलने वाली झमोला और पावधोई नदी अपने उफान पर है। खतरे के निशान के ऊपर इस वक्त ये नदियां बह रही हैं। धमोला और पावधोई नदी में पानी के उफान की वजह से आसपास की कॉलोनी पानी में डूब गई है। घरों में कई कई फीट पानी भर गया है। जनता रोड पर बसी एक कॉलोनी की ये तस्वीर है। कॉलोनी में करीब 40 लोग फंसे थे। घरों की छत पर वो लोग थे। 20 लोगों की रेस्क्यू टीम ने अपनी जान हथेली पर रखकर इन सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। रेस्क्यू टीम ने न सिर्फ लोगों को बचाया बल्कि बाढ़ के पानी में फंसे मवेशियों को भी बाहर निकाला। रेस्क्यू टीम का कहना है कि पानी के तेज बहाव की वजह से रेस्क्यू में खासी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन सभी लोगों को निकालकर सेफ जगह पर पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीरें यूपी के सहारनपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर आवासीय कॉलोनी में 6 से 7 फीट तक पानी भर गया। इन तस्वीरों के जरिए देखिए कैसे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अपनी जान को खतरे में डालकर रस्सी के सहारे लोगों को ये पार कराते इस सैलाब को पार कराते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पावधोई नदी इस वक्त अपने उफान पर है, जिसके चलते आसपास के इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।